वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से सुकमा मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर होने की खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जहां पर ऑपरेशन के बाद जवानों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जवानों ने डांस करके जश्न मनाया, वहीं जवानों के डांस करने का ये वीडियो भी सामने आया। सुबह से मुठभेड़ जारी थी, जिसके बाद 10 नक्सलियों को मारे जाने की खबर सामने आई और उसके बाद ये बड़े ऑपरेशन के बाद जवानों के बीच जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जवानों ने डांस करके वहां पर जश्न मनाया और देखिए ये वीडियो भी अब सामने आया, जो कि लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपकी तस्वीरों पर आप देख सकते हैं किस तरह से जवान इस जश्न को डांस करके मना रहे हैं। ये जश्न जवानों के शौर्य की तस्वीरों को बयां कर रहा है। सुबह से लगातार मुठभेड़ जारी थी, जिसके बाद 10 नक्सलियों को मारना बड़ा ही अचीवमेंट है एक, और उसके साथ ही इस बड़े ऑपरेशन के बाद जवानों के बीच ये जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। एक खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जवानों ने डांस करके ये जश्न का पूरा माहौल बना दिया। बहुत कठिन माहौल होता है जब आप जंगल में जाते हैं, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होती है, कई किलोमीटर तक आप पैदल चलते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन उसके बाद ये जश्न जवानों के शौर्य की तस्वीरों को बयां कर रहा है। जितनी मेहनत की जाती है उसके बाद ये जश्न का माहौल। सीधी तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सुकमा में मुठभेड़ हुई है, ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जब 10 नक्सलियों को मारा गया, जब 10 नक्सली बड़े कैडर के 10 नक्सली ढेर हो गए, उसके बाद जवानों का जोश हाई है, अभी भी जवानों का जोश हाई है। और ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर जवान देखिए जश्न का पूरा माहौल बना हुआ है, डांस कर रहे हैं और अपनी आज की इस खास अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जश्न का माहौल पूरा दिखा रहे हैं आपको। देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि सुबह से ये मुठभेड़ कहां हुई, कब हुई और इसमें कितने नक्सली मारे गए हैं। सुकमा में नक्सलियों का खात्मा, कहां मुठभेड़ हुई, कोंटा के भेजी इलाके में। आज सुबह से यहां पर मुठभेड़ जारी थी, जिसके बाद क्या बरामद किया गया, तो वहां से 3 ऑटोमेटिक गन और भारी हथियार वहां से बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर आपको ये दिखा रहे हैं और देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कहां मुठभेड़ हुई, कोंटा के भेजी इलाके में, वहां पर 10 नक्सली मारे गए और उसके बाद वहां से 3 ऑटोमेटिक गन और भारी हथियार वहां से बरामद भी किए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि आज यहां पर कोंटा के भेजी इलाके में यहां पर मुठभेड़ हुई और 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई थी। वहीं देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय सुकमा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं आगे की जानकारी लूंगी। संजय, देखिए नई तस्वीरें सामने आ रही है, जहां जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, जवान नाच रहे हैं, ये क्या जोश है, जवानों का जोश अभी भी हाई है? देखिए जवान बहुत ही बड़ी सफलता लेकर वापस अपने कैंपों में लौटे हैं। 10 जवानों को ढेर किया है, कोंटा और किस्टा रमीरिया कमेटी की ये नक्सली थे। 10 नक्सली जो मारे गए, इनके पास से इंसास AK-47 SLR जैसी बड़ी राइफल्स मिली है, जिससे ये बात तय होती है कि इस मुठभेड़ में कई बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं। और यही वजह है कि सुकमा ने लगभग 11 महीनों में सुकमा के हिस्से जो है कोई बहुत बड़ा इनकाउंटर नहीं आया था, तो सुकमा जिले के DRG ने इस पूरे मुठभेड़ को अंजाम दिया है, इस पूरी सफलता को पाया है और इसी का जश्न जो है वो अब जवान अपने कैंप लौटने के बाद बना रहे हैं। जवानों के हाथों में बंदूकें हैं, वो अभी भी अपनी वर्दी में हैं। जैसे ही वो लोग कैंप पहुंचे, वहां बसरिया गाने पे ये लोग नाचते नजर आ रहे हैं और ये जवानों की शौर्य की तस्वीर है, ये जश्न की तस्वीर जो है ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। और देखिए मैं इस वक्त जब इस सड़क से गुजर रहा हूं सुकमा जाने के लिए, तो मुझे वो घटनाएं याद आ रही है। मैंने झीरम घटना को करीब से देखा है, जिसमें 32 से अधिक कांग्रेसी नेता सहित जवान मारे गए थे। टाहकवाड़ा कांड मैंने देखा है, जिस वजह मैं खड़ा हूं ना, यहीं 2014 में टाहकवाड़ा कांड हुआ था, यानी 10 साल पहले यही नक्सलियों ने 16 जवानों को शहीद कर दिया था। तो ऐसी तस्वीरों के बाद, ऐसी घटनाओं के बाद, अब जब ये साल आया है जब नक्सलियों को नुकसान हो रहा है, जवान लगातार नक्सल मोर्चे पे सफलता हासिल कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं कि जी संजय, देखिए आप ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। आप वहां पर पहुंची और इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे उसके बाद जानकारी लेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय।